गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। RWS गुरु डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। जनरल नॉलेज का जो टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज हमारी चल रही है, सुबह 6 बजे आपको इसकी क्लास मिल जाती है, तो प्लीज़ क्लास को देखना ना भूलें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइज, यदि आपको PDF चाहिए इसकी तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए गाइज शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, भाप इंजन की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा भी गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सही हो जाएगा, जेम्स वाट ने जो है भाप के इंजन की खोज की थी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। गाइस मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं वही आपके लिए लेकर आता हूँ। तो ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस नदी पर कौन सा शहर बसा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको पिछली वीडियो में भी बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ ऐसे, तो आप जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी, आई बटन में भी वीडियो आपको मिल जाएगी और वीडियो के लास्ट में भी आपको वीडियो हमारी मिल जाएंगी। जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइचिंग भोटिया किसका संबंध किस खेल से है? देखिए वाइचिंग भोटिया खेल से संबंधित भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आंसर हो जाएगा आपका फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वाइचिंग भोटिया जो है आपके फुटबॉल से संबंधित हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पता होगा पुर्तगालियों ने जो है तंबाकू की खेती की थी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको बता दूं मैं, पुर्तगालियों ने सबसे बाद में गोवा को छोड़ा था और गोवा को 1961 में जो है इसको इन्होंने आज़ाद किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोवा पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन, तो सही आंसर हो जाएगा आपका मांडवी, यानी मांडवी नदी जो है आपकी है, मांडवी नदी पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, गोवा मांडवी नदी पर स्थित है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको नाम देख के पता ही चल रहा होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो है मदीना मस्जिद है जो है स्थित है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शांति निकेतन आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। शांति निकेतन आपको पता होगा गाइस, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 ईस्वी में जो है इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ मैं, जैसे ही आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलता है तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की जो दूरी होती है, डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ये 3 आपकी विकेट हैं और ये 3, इनके बीच की जो ये दूरी होती है, ये वाली दूरी पूछी गई है, तो लगभग ये जो है 22 गज होती है आपकी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्रिकेट में जो है विकेटों के बीच की दूरी 22 गज होती है। गाइस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यदि आपको कोई भी वीडियो में दिक्कत लगे, यदि आपको लगता है कोई क्वेश्चन रॉन्ग है या किसी क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखा करो। अगर कमेंट आप हमें करते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें, और आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? यानी कि बाउल जो है किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है, तो वेस्ट बंगाल मैं अभी आपको बता के आया हूँ, तो पश्चिम बंगाल, यानी कि आपका जो है आपका पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। गाइज यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिस आप तक पहुंच जाए। गाइज ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन आज की सीरीज के, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले थे, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करके जाना। धन्यवाद।